अतिशय प्रिय करुणा निधान की पापे युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु मंगल भवन अमंगल हारि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जश आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर कुंद सम देव उमार मन करुणा अयन जाहि दीन परमेह करहु कृपा मर्दन मयन सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय राम
जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभूषण नागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम।
Oh,
राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री रामायण भगवान की जय। सद्गुरु देव महाराज की जय। श्री गंगा यमुना मैया की जय। सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। संत समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। परम कारुणिक भक्त हृदयेश्वर करुणा निधान तड़िद्युत विनिंदक पीताम्बरधारी रघुकुल कमल दिवाकर राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप श्रीमद रामचरित्र मानस मंच पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य श्रीमद् भागवत रामायण जी अनेक शास्त्रों के अद्भुत व्याख्याता महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज कर्मयोगी महापुरुष राष्ट्रप्रेमी संत समाज सेवी ब्रह्मचारी श्री सतपाल जी महाराज विराजमान आदरणीय समस्त संत वृंद विद्वत वरिण्य विप्र आचार्य वृंद संगीताचार्य वृंद भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति सत्संग टीवी के माध्यम से दर्शन और श्रवण कर रहे समस्त श्रोत्री वृंद पतित पावनी मां गंगा की परम कृपा मां भागीरथी के तट पर अवस्थित मां गंगा का द्वार हरिद्वार राधा कृष्ण धाम की है पवित्र भूमि उसका परिसर कलकत्ता महानगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति बिहानी परिवार के समस्त सदस्यगण जिनके मुख्य यजमानत्व में इस परम भक्ति अनुष्ठान का अनुष्ठान आज अनुष्ठित हो रहा है एक सुखद संयोग है। प्रतिवर्ष दास के माध्यम से भागवत जी की 36 कथाओं का आयोजन होता है जो सुनिश्चित रहता है और दो राम कथाएं प्रतिवर्ष होती हैं। कल ही राम कथा ही पूरी हुई मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक बड़ी तहसील है गाडरवाड़ा वहां से राम कथा कल ही दिन में विश्राम ली और आज यहां पुनः राम कथा ही शुरू हो रही है। 2 तारीख को राम कथा यहां पूर्णता को प्राप्त होंगी 3 को बद्रीनाथ धाम में जाएंगे और 4 तारीख से बद्रीनाथ धाम में भागवत कथा का आयोजन है और वह भी सब कलकत्ता के ही भक्त करीब 500-600 लोग कलकत्ते से आ रहे हैं और वो कथा संस्कार पर लाइव टेलीकास्ट है पूरे विश्व में। ये पुरुषोत्तम मास है बड़ा अद्भुत महीना है। भगवान ने अपना नाम दिया इस मास को। जितने भी पुनीत कार्य
भगवत संबंधी कार्य पुरुषोत्तम मास में किए जाते हैं उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और फिर हरिद्वार धाम में कथा, मां गंगा की गोद में बैठकर कथा सुनना और सुनाना, और ऐसे महापुरुष मनीषी महापुरुष संतों के सान्निध्य में कथा कहना और सुनना, उसका तो अनंत गुणित फल प्राप्त होता है, ऐसी महापुरुषों की आज्ञा है। नव दिवस पर्यंत रामकथा मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करेंगे, उनकी कृपा के बिना न कोई उन्हें जान सकता है, उनकी कृपा के बिना न कोई उनके बारे में कह सकता है, और उनकी कृपा के बिना न कोई उनको सुन सकता है। कृपा तो उनकी चाहिए। और श्री राम कथा के जो मुख्य श्रोता हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी। आइए इस कथा गंगा में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी को आमंत्रित कर लें। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्यों सुनते हैं हम राम कथा? क्या होता है राम कथा श्रवण करने से? राम कथा का आश्रय लेने से जीवन में होता क्या है? श्री हरि हरि हर ईस धी, सुमिरो तुलसीदास, करत गोपाल महात्म्य, रामायण सुखरास। देवों को वंदन करके रामायण जी के बारे में हम किंचित चर्चा कर लें। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री रामायण स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो संकल्प करते हैं, हमारे मन की जो अभिप्सा है उसकी पूर्णता प्राप्त होती है। मन में जो हम सोचते हैं वो पूर्ण होता है, इसलिए हम रामायण जी की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान राम का जहां निवास है, राम का जो मंदिर है, उसे हम रामायण कहते हैं। महापुरुषों ने कहा रामायण केवल ग्रंथ ही नहीं है, रामायण केवल किताब नहीं है, रामायण साक्षात दिव्य कल्प वृक्ष है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ है ना, वो बालकांड है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, भाव से बोलो ना जय श्री राम। बालकांड इसकी जड़ है, और जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं, कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए, उस वृक्ष के लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए बालकांड जो रामायण की जड़ है वो बड़ी दूर दूर तक फैली है। इसलिए राम कथा में सर्वाधिक समय अकेला बालकांड लेता है।
तकरीबन 4-5 दिन तो बालकांड की कथा में ही निकल जाते हैं। ऐसी रामायण की महिमा है। और अयोध्या कांड जो है ये रामायण की थड़ है, रामायण कल्प वृक्ष की थड़, हमारी ब्रजभाषा में उसको पीढ़ बोलते हैं, पीढ़। और जिस वृक्ष की थड़ मजबूत होती है, कितना ही आंधी आए, कितना ही तूफान आए, वो वृक्ष किंचित हिल तो जाएगा लेकिन उखड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकता। अयोध्या कांड इसकी थड़ है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर बचन न जाई, ये इसकी मजबूत थड़ है। धर्म मूल सब सुकृत सुहाए, जितना भी हम सुकृत कर्म करते हैं, सुकृत माने सत्कर्म, जितना भी हम करते हैं वो सुहावना कब लगता है, जब उसके मूल में सत्य हो। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, इसके मूल में सत्य होना चाहिए। ये अयोध्या कांड की महिमा है, जिसमें धर्म की इतनी सुंदर अद्भुत व्याख्या की गई है। और अरण्य कांड जो है वो रामायण रूपी कल्प वृक्ष का डालियां है। अरण्य कांड इसकी डालियां, और एक डाली में से कई कई डालियां फूटी हैं, इसलिए अरण्य कांड में छोटी 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 बहुत सी कथाओं में से कथाएं निकलती हैं। और किष्कंधा कांड जो है सज्जनों, ये रामायण रूपी कल्प वृक्ष के पल्लव हैं। इसके सुंदर पत्ते हैं, हरे भरे पत्ते, चमकते हुए पत्ते हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज से मिलन होता है, सुग्रीव को गले लगाया जाता है, बाली का उद्धार होता है, ऐसा ये परम पावन किष्किंधा कांड है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष का फूल है सुंदर कांड। वन बाग उपवन वाटिका, सरयूथ बापी सोहई, सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर कंधर्व गन्या, रूप मुनिमन मोहही, ऐसा ये सुंदर कांड है जो सुंदरता से भरा हुआ है, हनुमान जी महाराज की पवन पावन गाथा से भरा है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वो लंका कांड है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये लंका कांड उसका फल है। बोलो महाराज आप लंका कांड को फल कैसे बता रहे, इसमें तो बड़े राक्षसों का संहार हुआ, बड़े बड़े पराक्रमी लोग इसमें मारे गए और आप कहते हैं ये फल है। तो कहते हैं जितने भी राक्षस राम जी के हाथों मारे गए, अंत में सबको मुक्ति ही तो फली, मुक्ति ही तो सभी को प्राप्त हुई, और हमारे जीवन का परम फल मुक्ति ही तो है। राम को देखते देखते भगवान राम या हनुमंत के हाथों जिनकी मृत्यु हुई, उनको मुक्ति का परम फल प्राप्त हुआ, ये लंका कांड का फल है। और उत्तर कांड जो है वो तो रस है, रस है रामायण रूपी कल्प वृक्ष का। वृक्ष के नीचे की जड़ से लेकर के ऊपर की टहली पर्यंत संपूर्ण फल का जो रस है, निचोड़ है, वो फल के गूदा में रस में होता है। इसी प्रकार संपूर्ण रामायण जी का सारांश हम उत्तर कांड में प्राप्त करते हैं। ये कल्प वृक्ष है।
और कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि रामायण जी ही, रामायण जी केवल ग्रंथ ही नहीं, भगवान राम का ही स्वरूप है, भगवान श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। राम है साक्षात रामायण, तो बालकांड उनके चरण हैं, अयोध्या कांड उसकी थड़ है, जांघें हैं, अरण्य कांड कटित प्रदेश है, किष्किंधा कांड उनका हृदय है, वक्षस्थल है, जिस वक्षस्थल में हनुमान जी को लगाया, ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश हुए। और सुंदर कांड राम रूपी रामायण का कंठ है, इसलिए हम लोग सुंदर कांड को बड़े बड़े रागों में गाते हैं, सुंदर कांड को बड़े भाव से गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। मैंने तो कई जगह देखा है माताएं बहनें और जगह जगह सुंदर कांड की मंडलियां बनी है, और ऐसे ऐसे राग में लोग सुंदर कांड को गाते हैं कि सुनकर मन आनंदित हो जाता है। और लंका कांड जो है वो राम रूपी रामायण का मुख है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतु ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम। काल रूप से भगवान सबको पा जाते हैं, अपने उदर में सबका भक्षण कर जाते हैं। और उत्तर कांड राम रूपी रामायण का मस्तिष्क है। हमारे जीवन के जितने भी अनुभव का भाव है, निचोड़ है, वो मस्तिष्क से प्रकट होता है, वृद्ध अवस्था में ही देखा जाता है, इसलिए उत्तर कांड को हम लोग मस्तिष्क कहते हैं, राम रूपी रामायण का मस्तिष्क। इसलिए इसको केवल ग्रंथ न समझें, रामायण रूपी कल्प वृक्ष की शरण में जो आया उसके समस्त दुख दूर होते हैं, दुख भय दूर, निकट जो आया, इसलिए रामायण कल्प वृक्ष है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हम लोग रामायण जी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बागेश्वरी में बड़े भाव से ऊंचे स्वर में कह रहे हैं, वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम संदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायक। एक विचित्र सी बात आपसे कहें, जब रामायण की रचना शुरू होने वाली थी तो लोगों ने मन में सोचा कि रामायण जी की रचना गोस्वामी जी राम नाम से करेंगे, किसी ने सोचा राम जी शिव जी को बहुत मानते हैं तो रामायण की चर्चा शिव शब्द से होगी, किसी ने सोचा माता शक्ति स्वरूपा हैं जानकी जी, शायद सीता जी के नाम से शुभारंभ होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का शुभारंभ राम नाम से नहीं किया, कृष्ण नाम से नहीं किया, दुर्गा नाम से नहीं किया, शिव नाम से नहीं किया, रामायण का शुभारंभ किया वर्ण से। वर्ण, रामायण का आरंभ है वर्ण से और रामायण का अंतिम है शब्द मानव। ये संसार पतंत्य घोर किरणई दहियंति नो मानवा। आरंभ है वर्ण से और समापन है मानव से। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण कहीं ये न सोच लें कि रामायण के रचयिता गोस्वामी जी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणत्व का इसमें वर्णन होगा, ब्राह्मणों का अधिकार इस पर ज्यादा होगा,
क्षत्रिय लोग कहीं ये न सोच लें कि भगवान राम ने क्षत्रिय वंश में राज घराने में जन्म लिया, इसलिए रामायण पर क्षत्रियों का ही महत्व ज्यादा होगा। महात्मा लोग कहीं ये न सोच लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण होने के साथ साथ महात्मा भी थे, इसलिए रामायण पर प्रथम अधिकार महात्माओं का होगा। वैश्य लोग कहीं ये न सोच लें, ठीक है रामायण लिखी होगी गोस्वामी जी महाराज ने, लेकिन राम कथा भागवता तो ज्यादातर हमारे वैश्य परिवार कराते हैं, हमारे व्यापारी वर्ग कराते हैं, इसलिए अधिकार हमारा होना चाहिए। गोस्वामी जी ने वरुण शब्द से प्रारंभ करके हमें ये बताने का प्रयास किया कि रामायण प्रत्येक वर्ण का ग्रंथ है, प्रत्येक मानव मात्र का ग्रंथ है, ये किसी जाति विशेष का नहीं। मनुष्य मात्र कोई भी वर्ण का व्यक्ति रामायण का पाठ करे, यह सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। रामायण सबके लिए सुलभ है, सब दिन में कही जा सकती है और सब देश में कही जा सकती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बात और ध्यान दें, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना जो की वो सात मंत्रों से शुरू की। रामायण में पहले संस्कृत में सात मंत्र हैं। बोले सात ही मंत्र क्यों, सात मंत्रों से इसका शुभारंभ क्यों? बड़े सुंदर भाव है। देखो सप्ताह में सात दिन होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सात मंत्रों से शुभारंभ करके गोस्वामी जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रामायण की कथा का कोई नियम नहीं है कि मंगल कोई शुरू हो, कि बुध कोई शुरू हो, कि रविवार कोई शुरू हो। सात दिन में जिस दिन तुम चाहो उस दिन रामायण का शुभारंभ कर सकते हैं। सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होए युवराज, किसी भी दिन इसका आरंभ करो। या सात कांड हैं रामायण में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये सात कांड हैं। तो सात मंत्रों को गोस्वामी जी ने पहले इसलिए लिखा कि एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है, एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करने की आज्ञा देने के भाव से सात मंत्रों को लिखा। या तो सात इसलिए लिखे कि संगीत के सात स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसका भाव ये है कि संगीत के किसी भी स्वर में किसी भी राग में अपन रामायण जी को गा सकते हैं, इसमें इतनी सामर्थ्य है। या सात मंत्र इसलिए लिखे होंगे, देखो 24 अवतार की चर्चा यदि हम करते हैं तो भगवान राम का जो अवतार है वो 18वें नंबर पर आता है, पर 10 अवतारों की वार्ता यदि हम करें तो राम जी का नंबर 7 है। 10 अवतारों में भगवान राम 7वें नंबर के अवतार हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने सात मंत्रों का पहले प्रणयन किया। या सात मंत्र इसलिए भी लिखे कि भविष्य में रामायण जी की कथा सात समंदर पार जाकर भी हमारे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेगी, सात समंदर पार जाकर भविष्य में प्रचारित होगी, इसलिए गोस्वामी जी ने सात मंत्रों को लिखा। बड़े सुंदर भाव हैं, बड़ी सुंदर पद्धति है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। वर्ण नाम अर्थ के समूहों का प्रवर्धन करने वाली,
रसों और छंदों को प्रवर्धित करने वाली, अमंगल को भी मंगल करने वाले इन दोनों देवी सरस्वती और गणपति महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री हैं, गणपति अमंगलों को मिटाने वाले हैं। कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान शंकर और देवी पार्वती दोनों को हम प्रणाम करते हैं। शिव जी हैं विश्वास और माता देवी पार्वती हैं श्रद्धा। जीवन में बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं टिकती। जिस विश्वास में श्रद्धा नहीं है वो विश्वास भटकने लग जाता है, और जिस विश्वास में श्रद्धा नहीं है वो श्रद्धा जल जाती है, खत्म हो जाती है। काम तो तब बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाए। बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के बड़े बड़े सिद्ध लोग भी, सिद्धा अपि स्वान्तस्तमीश्वरम् अपि न पश्यन्ति, अपने हृदय में विराजमान ईश्वर का दर्शन बड़े बड़े सिद्ध लोगों को भी नहीं होता। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तुष्टति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हृदय में निवास करने वाले प्रभु ईश्वर का यदि हमें दर्शन करना है हृदय में तो श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, बिना इनके नहीं चल सकता। मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, विश्वास है तो सामने की माला में भगवान है, विश्वास है तो माला की सुगंधी में भगवान है, विश्वास है तो उसके कलर में भगवान है, आप में भगवान है, इनमें भगवान है, मुझ में भगवान है। और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान कहाँ मिलता है, बोलो जय श्री राम। मंदिर में भी भगवान का दर्शन कहाँ होता है, विश्वास चाहिए। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, बड़ी सभा में दुर्योधन की आज्ञा से दुष्ट दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया। सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र बड़े बड़े अतिरथी धर्मात्मा वीर भी बैठे थे, पांचों पांडव भी बैठे थे। और द्रौपदी का वस्त्र हरण जब हो रहा था तो बताओ भगवान कहां थे, भगवान भी उसी सभा में बैठे थे। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है क्या सभा में नहीं था, वहीं पर थे। लेकिन रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि जीव मुझसे रक्षा मांगे, जीव हमसे रक्षा चाहे और विश्वास पूर्वक मुझे पुकारे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जान। हरि तो व्यापक है, सर्वत्र समान रूप से रहता है, प्रेम से विश्वास से पुकारो तो भगवान आएंगे। कन्हैया वहीं बैठे थे। जो कणकण में व्याप्त है क्या वो पांडवों की सभा में नहीं था, क्या कौरवों के मध्य में नहीं था। प्रभु ने सोचा द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं द्रौपदी की रक्षा करूंगा। लेकिन द्रौपदी ने सोचा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन बड़े बड़े वीरों के रहते हुए मुझे निर्वस्त्र कौन कर सकता है। भगवान ने सोचा अभी बूढ़े बाबाओं का भरोसा है, मैं रक्षा क्यों करूं। भगवान नहीं आए। तब द्रौपदी ने सोचा मेरे पांच पांच पति, इन पांच पांडवों के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है।
भगवान ने सोचा अभी पतियों का भरोसा है, ये भी होने नहीं दो, उधर विश्वास। पांडव तो बेचारे जुए में हार गए थे, और जो स्वयं दास बन गए वो इसकी रक्षा कैसे करे। भगवान ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी विश्वास पूर्वक और मैं रक्षा करूंगा, लेकिन द्रौपदी ने फिर भी भगवान को नहीं पुकारा। अपनी साड़ी को कस के पकड़ लिया, अपनी रक्षा करना मुझे स्वयं आता है। भगवान ने कहा भी अपनी भरोसा है उसको भी देख लो, लेकिन द्रौपदी अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर सके। जब देखा बाबा नहीं बचा पा रहे, पतिदेव नहीं बचा पा रहे, अपनी रक्षा मैं भी नहीं कर सकती, तब द्रौपदी ने गोविंद को विश्वास पूर्वक पुकारा, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे द्वारिका वासिन कृष्ण, हे गोपी जन वल्लभ, हे राधा वल्लभ गोविंद, तुम्हारी बहन द्रौपदी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस विश्वास में भर के जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, मेरे कन्हैया बोले यही तो मैं चाहता हूं, इतने विश्वास से कोई मुझे पुकारे। और भगवान वस्त्र रूप बनकर के आ गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथों है बलदान, सूर किशोर कृपा से सब बल हरे को हरिना, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, सब बल क्षीण हो गए, कोई बल काम नहीं आए। परमात्मा ने रक्षा करी द्रौपदी की, बसन रूप भय श्याम, भगवान विश्वास में वास करता है। माफ करना, विश्वास है तो सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां दिखता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शिव पार्वती। प्रणाम। मैं गुरुदेव से क्या कहूं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव स्वरूप गुरुदेव को नमन। जिनकी सन्निधि में आकर के द्वितीया के चंद्रमा को कौन पूजता है बता? अरे चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं, पूर्णिमा के चंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव के मस्तिष्क पर आने से द्वितीया का चंद्रमा भी पूजनीय हो गया, चौथ का चंदा भी पूजनीय हो गया, क्योंकि शिव के माथे पर उसको स्थान जो मिल गया, शिव जी के माथे पर जो विराजमान हुआ। मैं प्रणाम करता हूं। अब यहां दो वैज्ञानिकों की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दो महापुरुष हैं, दोनों वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है वाल्मीकि मुनि और दूसरे विशुद्ध वैज्ञानिक का नाम है श्री हनुमान जी महाराज। कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम, भगवान सीताराम जी के
गुण रूपी समूह पुण्य अरण्य में वास करने वाले दो महापुरुष, एक हैं कपीश्वर श्री वाल्मीकि मुनि और एक हैं कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। मैंने दोनों महाविशुद्ध वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं। देखो माया के तीन रूप हैं, जो सृजति पालति हरति। माया सृजन भी करती है, माया पालन भी करती है और माया हरण भी करती है, संहार भी करती है। तो माता जानकी जो है शक्ति स्वरूपा माया के रूप में यदि देखें तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। माता जानकी जी कृपा करती हैं तो संसार बनता है, माता जानकी जी की करुणा बरसती है तो सबका पालन होता है, और माता जानकी जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई तो सबका संहार भी हो जाता है। उद्भव स्थित संहार कारिणी, सबको बनाना, सबका पालन, सबका संहार करने वाली। और जानकी जी कैसी हैं? बोले क्लेश हारिणी, हमारे क्लेशों को हरती हैं मां। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, सब प्रकार से श्रेय करने वाली माता सीता जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। वो कौन है? राम वल्लभाम, राम की परम प्रिया है, राम वल्लभा है माता जानकी। और देखो प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। कियन माया वसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमशैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भम। जिन भगवान राम की माया के वश में वशीभूत होकर के लोग अखिलम विश्वम, ये पूरा विश्व, ब्रह्मादिक देवता भी इसको सत्य मान बैठते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि में कहीं रस्सी पड़ी थी लंबी टेढ़ी मेली रस्सी, और रस्सी को देख करके हमको सांप का भ्रम हो गया, हमने सोचा ये सर्प है। रज्जौ यथा हेर भ्रम यत् पादप प्लवमेक मेव ही भवान भोदे तितिर्षावताम। जिनके चरण रूपी नौका को प्राप्त करके व्यक्ति भवसागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई गाय के बछड़े खुर के गड्ढे को पार कर जाए। वंदे हम तमशेष कारण परम, संसार में सबसे पहले वो थे, संसार में बनने के बाद भी वो हैं, और संसार खत्म होने के बाद भी जो केवल शेष बचते हैं, राम जिनका नाम है, उन जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। अब रामायण जी के बारे में गोस्वामी जी दो शब्द कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबद्धमति मंजुल मातनोति। ये रामायण जो मैं लिखने जा रहा हूं ये सभी पुराणों का निगम और आगम ग्रंथों का इसमें सार है। मैंने सब में से कुछ न कुछ लिया है, सबका सार मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, कुछ अन्य से भी लिया है, अन्य जगहों से भी लिया है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंत सुख के लिए, स्वांत सुख के लिए मैं रघुनाथ की गाथा का वर्णन कर रहा हूं। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, आहा, ऐसी रामायण जी की पावन गाथा में लिखूं। ऐसे सात मंत्रों में रामायण जी की विशेषता को गोस्वामी जी ने
बताने का प्रयास किया है। अब यहां 5 सोरठों से शुभारंभ करते हैं कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन करने मात्र से सिद्धि मिलती है, जिनका सुमिरन करो और सिद्धि मिले, ऐसे गणेश जी। एक आदमी ने कहा बस पहले ही सोरठा में सिद्धि मांगने लग गए। हमारी वैष्णवी परंपरा में भगवान से कुछ भी मांगना मना है, और संत लोग जो हैं वो सिद्धि की कामना तो कभी करते ही नहीं है। महात्मा की कोई सिद्धि नहीं होती, ऐसे हाथ किया रुपया बना दिया, ऐसे किया पेड़ा बना दिया, ऐसे किया ये कर दिया, ऐसे कुछ पंखा घुमा दिया कबूतर बन गया। इन सिद्धि सिद्धियों में बाजीगरपने में महात्माओं की वृत्ति नहीं होती। फिर गोस्वामी जी तुलसी महाराज ने पहले ही सोरठा में सिद्धि की बात क्यों की, जिसके सुमिरन से सिद्धि मिल जाती है। तो कहते हैं हमारे महापुरुषों की नजर में, हमारे संतों की नजर में तो सबसे बड़ी सिद्धि है राम के चरणों की प्रीति। भगवान राम के चरणों का प्रेम, एकाग्रता से राम के चरणों में मन लगे, राम सुमिरन में हमारी वृत्ति हो। एक बात बताएं, राम कथा या भागवत कथा सुनने जब भी आओ तो मेन गेट में जब प्रवेश करें तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो या फ्लाइट मोड पे लगा दो। कथा के बीच में मोबाइल यूज करना अपराध है, और व्हाट्सएप चलाना तो पाप है, बोलो जय श्री राम, और फेसबुक खोल के रखना डबल पाप है, और कथा के बीच में वीडियो कॉलिंग करना ट्रिपल पाप है, और स्विच ऑफ करके ध्यान से सुनना, इसमें अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कई लोग तो कथा सुनते सुनते चालू ही रहते हैं, हाँ, और कई तो कथा सुनते जाएंगे मैसेज करते जाएंगे, हाँ मनीम जी कितना हो गया, इतना हो गया, खरीद लो, हाँ ठीक है बेच लो, श्री राम जय राम, हाँ फिर अब क्या हाल चाल है, बोल बाबू चढ़ रहा है, अच्छा बेच दो, अब क्या, बोल उतर, अच्छा खरीद लो। कथा के समय यदि मोबाइल पर ये सब चर्चाएं करोगे तो व्यापार में घाटा ही घाटा होगा। संसार का काम तो हम जीवन भर करते हैं, अरे कब अवसर मिलेगा हरिद्वार रोज आने का। मां गंगा का पावन तट हरिद्वार की भूमि, यहां तो सब भूल कर कथा में तल्लीन हो जाओ। अभी तो भागवत जी का रामायण जी का मंगलाचरण चल रहा है, इतनी रसमयी कथा है रामायण की, मैं आपसे क्या बताऊं। तुम्हें ज्यादा समय नहीं मिलता तो 15 मिनट बैठकर भगवान की उपासना करो, लेकिन जिस समय उपासना करो उस समय दुनिया को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ। आपके कान का कनेक्शन लगाओ व्यास जी के मुख से, और अपनी आंखों का कनेक्शन जोड़ो रामायण जी से, रामायण का दर्शन करो, प्रेम से कथा सुनो, देखना 9वें दिन से ही तुम्हें लाभ होना शुरू हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो सिद्धि क्या है, साधन सिद्धि राम पद ने हो, साधन सिद्धि राम पद ने हो, साधन सिद्धि राम पद ने हो,
भरत भरत मत ए मोही लख परत भरत मत ए मोही लख परत भरत मत ए मोही लख परत भरत मत ए सीता राम चरण रत मोरे 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 अनुदिन बढ़व अनुग्रह तो अनुदिन बड़ी सिद्धि क्या राम पद कमलों की प्राप्ति साधन सिद्धि राम पद ने हो राम के चरणों का स्नेह ही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो जो सुमिरत सिद्ध हो यानी गणेश जी के चरणों का सुमिरन करोगे तो राम चरणों की प्राप्ति की सिद्धि मिलेगी और कोई सिद्धि नहीं। भगवत दर्शन की सिद्धि मिलेगी और कोई सिद्धि नहीं। भगवान के धाम में वास करने की सिद्धि मिलेगी और कोई सिद्धि नहीं। और राम चरणों में रहने की सिद्धि मिल जाए राम दर्शन की सिद्धि मिल जाए इसके सामने सारी सिद्धियां फीकी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और क्या सिद्धि चाहिए? हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जब गणेश जी की वंदना की ना एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा गाइए गणपति जग वंदन। उन्होंने गाया और कहते हैं रामायण जी की वंदना में जब सब देवों की स्तुति करी तो दुर्गा जी भैरों जी आदि सब देव आए हमसे वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए स्वर्ग चाहिए देंगे बेटा चाहिए देंगे बेटी चाहिए देंगे बंगला चाहिए देंगे व्यापार चाहिए देंगे क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहुं राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। मन की एक ही अभिलाषा है कि श्री जानकी बल्लभ लाल मेरे हृदय में आकर के बैठ जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जीवन का यही वरदान श्रेष्ठ है जीवन की यही भक्ति श्रेष्ठ है यही कामना सर्वोच्च सात्विक कामना है और यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमको राम पद कमलों में प्रीति हो जाए। तो जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करी वर बदन जो बुद्धि प्रदान करते हैं जो बुद्धि की राशि खजाना है और जितने भी शुभ गुण हैं उनके सदन यानी मंदिर श्री गणपति महाराज हैं ऐसे गणेश को वंदन। भगवान कृपा कर दें तो कोई बड़ी बात है क्या बताओ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे
परमानंद माधवम। मूक होई बाचाल, भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं ना वो गूंगा व्यक्ति बाचाल हो जाता है। पंगु चलहिं गिरिबर गहन, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। मनसा देवी पहुंच जाए, चंडी देवी पहुंच जाए, लंगड़ा आदमी। जिसकी कृपा से, क्योंकि वो दया के सागर है, वो दया की मूर्ति है, ऐसे भगवान को मेरी वंदना है। ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है, नील सरोरुह श्याम, नील कमल जैसे श्याम है मेरे परमात्मा। तरुण अरुण बारिज नयन, एकदम चमकते हुए चंद्रमा के समान जिनके नेत्र हैं, सवेरे उगते हुए सूरज की भांति जिनके नेत्र कमल हैं, मेरे हृदय में क्षीर सागर वासी प्रभु नारायण आकर के बास करें। और कर्पूर गौरम करुणा बतारम, कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है, जो करुणा के अवतार हैं, उमा के रमण हैं, करुणा के अयन हैं, जाहि दीन पर नेह। भगवान शंकर दीनों पर नेह करते, देखो दीनों से प्रेम करो दया नहीं, दीन से प्रेम करना चाहिए दया नहीं। हम किसी को 10 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं तो व्यक्ति सोचता है ये बहुत धनवान है, कृपा करके इन्होंने दया करके मुझे 50 रुपए दे दिए। उसके मन में भी कभी कभी लगता है कि मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं। गोस्वामी जी कहते हैं दीन पर दया मत करो, दीन से प्रेम करो, दीन को उठाकर के गले से लगाओ, चलो और स्कूल ले जाकर के बोलो इसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हमारी ओर से होगी, इसको सुंदर शिक्षा दीजिए, जो फीस में लगेगा, जो भोजन में लगेगा, उसको अपने पैरों पर खड़ा करिए, ये दीन से प्रेम है। जो दीनों पर करुणा करते हैं, करुणा के अयन हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम। गुरु महाराज के चरण कमल की नखमणी ज्योति हृदय के अंधकार को निकालती है। गुरुदेव कृपा करके हमें पात्र बनाते हैं, हमारे जीवन में पात्रता का आगाज कराते हैं, ताकि हम भगवान के चरणों में जा सके। और हमारे जीवन में पात्रता कब आती है? जब दीनता जीवन में आ जाए। यही जीवन की पात्रता है। रामायण जी के प्रथम चौपाई की वंदना करके रामायण, अयन कहते हैं निवास को, अयन कहते हैं मंदिर को, अयन कहते हैं घर को, तो राम का जो घर है उसको रामायण कहते हैं। और भगवान राम के घर में, राम के मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने में सोचो हम कितने पात्र हैं। न तो रूप है, न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर राम कैसे शरण में लें, इसी सोच में मेरे प्राण है। आइए रामायण रूपी राम दरबार में प्रवेश करने से पहले थोड़ी प्रार्थना कर लें। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण में है, इसी सोच में मेरे प्राण है। कोई भी खान है मेरे।
श्याम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है ना तो रूप है ना तो रंग है Thank you.
सुख भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, पर कर्म करने की कोई सुविधा वासुदेव नहीं है, कर्म करने की सुविधा नहीं है, सुख शांति कैसे चलेगा। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। साधन न एक भी पास है, न तो योग जप तप कर्म है, न तो योग जप तप कर्म है, न तो धर्म सोच मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी कान है, मेरे शाम कैसे शरण है। इसी सोच मेरे प्राण है, न तो रूप है नहीं, तो मेरे द्वार पे क्यों आए हो? न रूप है न रंग है, न गुणों का खजाना है, न शांति है, तो क्यों आए हो? एक आसरा है वो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। एक दीनता का हूं बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। हमारे जीवन में दैन्यता आ जाए तो हम पाप
पात्र बनते हैं। भक्ति के पथ पर चलने के लिए दीनता का होना नितांत जरूरी है और दैन्यता की पात्रता जीवन में आएगी तो हम रामायण में प्रवेश करेंगे, राम के मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रथम चौपाई का शुभारंभ करते हैं। बंद हूं गुरु पद पदुम परागा, बंद हूं गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय चरण कमल के पराग की मैं वंदना करता हूं। जो सुरुचि है, जिसकी सुंदर सुवास है, अनुराग रूपी सुवास जिस चरण कमल से निकलती है, अनुराग की सुपास ही तो राग से छुटकारा मिलाती है। राग के खेत में अनुराग का बीज बो दोगे तो राग खत्म हो जाएगा, अनुराग पल्लवित होता रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये गुरु के चरणों की कृपा से प्राप्त होता है। गुरुदेव के चरण कमलों की जो दिव्य ज्योति है, वो चरणों की दिव्य ज्योति में मस्तक झुकाने से हमारे अंतर हृदय के अज्ञान का जो अंधकार है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए गुरु चरण कमलों में हमें प्रणति निवेदन करना चाहिए। ऐसे श्री गुरु जी महाराज के चरणों की वंदना करते करते देखो, गुकार स्पंदकार स्यात रूकार स्तन निरोधक अंधकार लोधत्वात गुरु रित्य विधीयते। ग कहते अंधकार को और रू कहते प्रकाश को। हमारे हृदय के अज्ञान के अंधकार को निकाल कर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वही तो सदगुरु है। मीराबाई कहती हैं, परम गुरु राम मिलावन हार, जो राम से मिलावे वही परम गुरु है। ऐसे गुरुदेव के चरणों की वंदना। बंदा हूं प्रथम महीसुर चरना, जाहि नेम व्रत जाहि न वरना, बंदा हूं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। देखो, मैं पृथ्वी के देवताओं को नमन करता हूं। पृथ्वी के यानी स्वर्ग के देवों की वंदना पहले नहीं, पृथ्वी के देवों की वंदना। और पृथ्वी के देव कहे जाते हैं ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को पहचानता है। कहते हैं सृजन समाज सकल गुण खानी, ये सुजनों का समाज है, गुणों के खजाने हैं। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, इनके चरणों में बार बार मैं प्रणाम करता हूं। देखो, जब आंखें शुद्ध हो जाती हैं, आंखों में निर्मलता आ जाती है तो सब कुछ वंदनीय लगता है। बिना वंदनीय कुछ भी नहीं, सब कुछ वंदन करने जैसा लगता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपयोगी क्षण कब आता है? जब हमें साधुओं का संग मिले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधे। एक घंटा मिले, आधा घंटा मिले, उसमें भी और आधा घंटा मिले। तुलसी संगत साधु की, साधु की जो संगत है
हर ही कोटि अपराध, करोड़ों अपराधों को हरता है। इसलिए साधनों की परम कार्यम इति साधु, जो दूसरे के अवगुणों को साध दे, दुर्गुणों को छुपा दे और सद्गुणों को प्रकाशित करे, उसे हम साधु कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुराबा, बंदनीय जहि जग जस पावा। साधु ऐसे होते हैं जो स्वयं तकलीफ पाकर भी दूसरों के दुर्गुणों को छुपाते हैं। एक कथा हम बचपन से सुनते आए, एक महात्मा जी घोड़े पर चल रहे थे। अब साधुओं का क्या वह बारे मौज फकीरां दी, कदी ते रहंदे महल भवन बिच, कदी ते गली अहीरां दी, कदी ते खांदे चना चबेना, कदी लपटा लेंदे खीरां दी, कदी ते ओढ़न मैली चादर, कली साल पश्मीना दी। ऐसा साधुओं का जीवन होता है। ऐसे साधुओं के जीवन की विशेषता होती है, बोलो ना प्रेम से जय श्री राम। किसी चोर ने देखा है महात्मा के पास में बड़ा महंगा घोड़ा है, 1,00,000 रुपए का घोड़ा होगा, ये घोड़ा मिल जाए तो कैसा रहे। चोर ने लंगड़े होने का नाटक किया, अपंग बनकर चल रहा है, अरे क्या करूं, चला जाता नहीं, पैर में बड़ी चोट है, मुझे कोई मेरे गांव तक पहुंचा दे, पास में ही तो मेरा गांव है। साधु को दया आ गई। महात्मा ने कहा क्या है बेटा, बोले मैं बड़ा तड़प रहा हूं और मैं गांव जाना चाहता हूं पर चला नहीं जाता। महात्मा ने कहा चलो मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। और घोड़े पर यदि बैठना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो घोड़े पर यदि किसी को बिठाना है तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घोड़े से तुमको उठना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, पहले घोड़े से आप उतरिए, फिर आदमी को घोड़े पर बिठाइए, फिर पीछे बैठ करके उसको लेके जाइए। महात्मा जी घोड़ा से उतर गए, उस चोर को जो लंगड़े बनने का नाटक कर रहा था उसको बिठाया। हाँ भाई लगाम ठीक से पकड़ो, मैं बैठूंगा। और चोर जैसे ही बिठाया, लगाम उसके हाथ में दी, उसने चाबुक लगाया, घोड़ा लेकर के चल दिया। महात्मा ने कहा अरे ये क्या किया, ये लंगड़े होने का नाटक कर रहा था, इसका पैर तो ठीक ठाक है, मेरा घोड़ा लेके चल दिया। महात्मा उसके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, अरे अरे तुम ले जाओ घोड़ा, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, घोड़ा तुम्हारा ही है, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन आज के बाद लंगड़े बनने का नाटक मत करना, लंगड़े बनकर लोगों के साथ में ऐसा धोखा मत देना, नहीं तो लोग आज के बाद किसी अपंग पर लंगड़े पर विश्वास नहीं करेंगे। घोड़ा तू ले जा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सही दुख पर छिद्र दुराबा, जो स्वयं तकलीफ पाकर भी दूसरे के दुर्गुणों को छुपाता है वो संत है। ऐसा साधु वंदनीय तेहि जग जस पावा, वो वंदनीय होता है, सारे जग में उसका यश प्रवर्धित होता है। ऐसे साधु को मैं प्रणाम करता हूं। ये संतों का जो समागम है, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम समाज, मुद मंगलमय है, जो
चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा बहती है और संतों के समाज में कौन सी गंगा है? राम भगत जहां सुर सरी धारा, राम भगत जहां सुर सरी धारा, सर सर्ग दम चरित्र अद्भुत होता है और संत समाज मंगलमय है। यह जंगम तीर्थराज है, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। भगवान राम की भक्ति की सुरसरी धारा गंगा यहां पर बहती रहती है। ऐसे संतों का सान्निध्य मिले। मैं एक बात आपसे कहूं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि संतों में और साधुओं में थोड़ा सा अंतर है। क्यों जी, संत में और साधु में अंतर क्या है? हनुमान चालीसा में लिखा है ना, साधु संत के तुम रखबारे। दो बात क्यों कही? गोस्वामी जी ये भी कह सकते हैं संत जनों के तुम रखबारे या साधु जनों के तुम रखबारे, लेकिन कहते साधु संत के तुम रखबारे। साधु कौन और संत कौन? बोले वैसे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है भगवान के दर्शन के लिए जो भगवान के पीछे पीछे चले वो साधु है। ध्यान से सुनना, ये रामानुज संप्रदाय के साधु, ये निम्मार्क संप्रदाय के साधु, ये बल्लभ संप्रदाय के साधु, ये श्री वैष्णव, ये बल्लभ वैष्णव संप्रदाय विशेष से जो जुड़े हुए हैं, और नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, जो संप्रदाय के अनुसार वैष्णवता से जुड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन के लिए जो पीछे पीछे चले वो साधु हैं। और संत कौन है? बोले भगवान जिनके दर्शन के लिए पीछे पीछे चले वो संत हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मोने प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम, मोने प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम, अनुप्रजाम्य हम नित्यम ऊये ये त्यंद्रेणु। जो मुनि है, जो मननशील है, जो निर्वैर है, निर्वैर मन किसी के प्रति जिसके मन में बैर नहीं है, जो किसी से द्वेष करता नहीं है, आपने पश्मीना की चादर उधाड़ी तो भी प्रसन्न, और आपने दो मुठ में बालू फेंक दी तो भी प्रसन्न। एक महात्मा किसी गांव की बगल में एक छोटी सी पर्णकुटी बना के रहते थे। बड़े विद्वान संत थे, बड़े ज्ञानी थे। धीरे धीरे गांव के लोगों का उनके प्रति स्नेह हो गया, आदर हो गया। महात्माओं के प्रति तो आदर होना ही चाहिए। करीब 10 वर्षों से बाबा गांव से थोड़ी दूर और वहीं पर कुटी बना के रहते, छोटा सा आश्रम। बड़े सच्चे महात्मा। गांव के जो सरपंच हैं, एक दिन बाबा के पास आए, बाबा मेरी ये थैली रख लो, इसमें सोने की मोहर है, 200 मोहर हैं, मोहर हैं सोने की, आप रख लो। बाबा बोले क्यों? बाबा हम चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, हमारे भारत में चारों दिशाओं में चार चार धाम हैं। उत्तर दिशा में चार धाम,
बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, दक्षिण दिशा में चार धाम तिरुपति बालाजी श्रीरंगम रामेश्वरम त्रिचिरापल्ली, पूरम में भी चार धाम जगन्नाथ धाम लिंगराज भुवनेश्वर कोणार्क साक्षी गोपाल, पश्चिम में भी चार धाम द्वारिका धाम और बड़ा सुंदर शिवजी का मंदिर सोमनाथ, द्वारकेश्वर, ये भगवान के चार धाम पश्चिम में भी है। तो सरपंच जी बोले मैं चार धाम की यात्रा करने जा रहा हूं, अब आप रख लो, आऊंगा तो फिर भंडारा करूंगा गांव में। महात्मा बोले बच्चा मैं तो पैसा छूता नहीं, आश्रम में किसी अलमारी में तुम रख जाओ और आकर के तुम ले जाना बेटा। सरपंच जी स्वर्ण मोहर रख करके चले गए, चार धाम की यात्रा करके लौटे। बाबा कहाँ हैं मेरी मोहरें? महात्मा जी बोले जहां तुम रख के गए थे बेटा वहां रखी है, ले जाओ। सरपंच जी मोहरों की जो जो पोटली थी वो निकाल ली। अब तीर्थ यात्रा से हम लोग आते हैं तो मित्रों से प्रेमियों से भाइयों से सबसे मिलते हैं, अनुभव बताते हैं। अरे भैया बद्रीनाथ गए थे भाई, बहुत मुश्किल है, बके तो है आग लग गई जंगल में, बुझी नहीं रही है कैसे जाए। यमुनोत्री का रास्ता सबसे कठिन है, ऐसे सबको बताते हैं हम लोग। तो सरपंच ने वो स्वर्ण मोहरों की थैली अपनी पत्नी को दे दी, संभाल के रखना मैं जरा गांव में घूम के आता हूं। अब पत्नी ने वो थैली रख ली, सरपंच जी का कोई मित्र आया, बोले कहाँ हैं? बोले कहीं गांव में गए। अरे कुछ नहीं, मुझे 20 मोहर चाहिए थी किसी काम के लिए। तो पत्नी ने कहा थैली मेरे पास है, उसने 20 मोहरें निकाल के उसको दे दी। सरपंच जी पूरे गांव में चौपर पर सब लोगों से अपनी यात्रा का बखान करके आए, वहां पर हमने ये देखा, वहां पर ये देखा। और जैसी लौट करके आए, पत्नी से कहा मेरा थैला दो। पत्नी ने वो स्वर्ण मोहलों की थैली दे दी। अब वो थैली लेकर के सरपंच ने सोचा पहले गिन के देख ले। बंद कमरा करके मोहरें गिनी तो 200 मोहरों में 180 मिली, 20 मोहरें थी नहीं। सरपंच ने सोचा देखो महात्मा भी कैसे होते हैं आजकल, हैं इन बाबाओं पर भी कैसे भरोसा किया जाए। अरे 200 मोहर में बाबा को देखन के गए हाँ, और उसने चुपचाप 20 मोहरें निकाल ली। पत्नी से पूछा भी नहीं और गांव में हल्ला मचा दिया, अरे देखो इस बगुला भगत को कितनी पूजा करते हम, कितनी आरती करते हैं, बाबा को दक्षिणा दे दे, घर घर में भोजन कराते, सारी सुविधाओं का ध्यान रखते, और मेरी 200 मोहरों में से 20 स्वर्ण मोहरें इस बाबा ने चुरा ली और पता तक नहीं चलने दिया। लोगों में रोष आने लग गया, बहुत दिन से रहता है बाबा बिगड़ गया है, इसको दंडित करना चाहिए। पूरे गांव ने पंचायत कर ली और कहा इस बाबा को गधे पर बिठा करके जूतों की माला पहना करके पूरे नगर में इसका भ्रमण करेंगे, सच्चाई तो पता चले लोगों को, ये चोर भी है, 20 मोहरें चुरा ली है। बेचारे महात्मा के पास में आए, महात्मा को जबरन उठाया, गधे पर बिठा दिया। वो ज्ञानी संत कुछ नहीं बोले, गधे पर बैठ गए। इन लोगों ने जूते की माला पहना दी, संत ने कोई जवाब नहीं दिया। बिठा करके पूरे नगर में भ्रमण करा रहे, ये महात्मा के रूप में चोर है, ये है वो है, नारे लगाते जा रहे। और आगे आगे सरपंच चल रहे। पत्नी घर से निकली, काय का हल्ला हो रहा है? उसने द्वार पे आकर देखा तो संत को गधे पे बिठा रखा है, जूतों की माला, और मेरा पति आगे चल रहा है।
पत्नी निकल करके आई, पति को डांट कर बोली तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो, महाराज जी को इस प्रकार से अपमानित कर। अरे तुम नहीं जानती देवी, इस बाबा ने क्या किया तुम्हें मालूम नहीं, मेरी 200 स्वर्ण मोहरों में से 20 मोहरें इसने चुरा ली, 180 मिली है मुझे, ये चोर है, साधु के रूप में पाखंडी है। पत्नी अपने पति को डांट कर बोली अरे ना समझ मुझसे पूछ तो लिया होता, स्वर्ण मोहरों की थैली मुझे रख कर देखकर तुम चले गए गांव में, तुम्हारा मित्र मांगने आया था, 20 मोहरें निकाल के मैंने दे दी उसको, तूने पूछा भी नहीं संत के बारे में, इतना बुरा सोच लिया और इस महापुरुष का इतना अपमान किया। नारेबाजी बंद हो गई, चरणों में गिर पड़े, बाबा माफ कर दो बाबा, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से, हम आपको समझ नहीं पाए। महात्मा जी को गधे से उतारा, तुरंत स्नान कराया, संत ने अपनी कुटिया में से केवल अपने राम जी के चित्र को निकाला, अपने गले से लगाया और लोगों के सामने दो मुट्ठी बालू महात्मा ने हाथ में ली। तुमने बीसियों वर्षों तक मुझे सम्मान दिया, एक मुट्ठी बालू उसके लिए, और तुमने पूरे बाजार में पूरे नगर में जूतों की माला पहना कर मेरा जुलूस निकाला, एक मुट्ठी बालू उस लिए। सम्मान तो शरीर का होता है, अपमान भी शरीर का होता है। मेरा राघव मेरे साथ है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं निवेदन सिर्फ ये करना चाहता था कि बेदिन से धमाया काली मलहरन करम कथा रवि नंदिनी वरन। सत माने परमात्मा, परमात्मा भगवान का नाम सत है, और सत के ऊपर भी यदि लग जाए मुकुट वो संत है, ऐसा संत समाज मुद मंगलमय है। और संतों के बीच में हम जब जाते हैं, ये तीर्थराज है, चलता फिरता तीर्थराज है, और संतों के तीर्थराज में बटका वृक्ष क्या है, तीर्थराज प्रयाग में बटका वृक्ष है ना, हम लोगों ने दर्शन किया होगा सबने। 6 साल पहले तीर्थराज प्रयाग में भागवत कथा की थी मैंने, इस बार भी वहां कुंभ है, अर्ध कुंभ, उसमें 12 जनवरी से हम भागवत कथा कर रहे हैं। वहां अक्षय बटका वृक्ष है, और संतों के समाज को यदि आप तीर्थराज प्रयाग कहते हैं तो यहां बट वृक्ष क्या है, बोले बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास विश्वास,
बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये बट वृक्ष है विश्वास का, जो संतों के तीर्थराज प्रयाग में ही अवस्थित रहता है। अपने निज धर्म का पावन पालन करने के लिए हमारे मन में अटलता रहे, अचलता रहे। तीर्थराज समाज सुकर्मा, और संतों का जो तीर्थराज प्रयाग है ये कैसा है? सब सुलभ सब दिन सब देशा, ये सबके लिए तो सुलभ है और सब दिन के लिए सुलभ है और सभी पूरे देश में सुलभ है। देह ही सत्य फल प्रकट प्रभाव, और सत्य ये फल देने वाला है। और सीधी बात यह है, मज्जन फल फेल पेलिए तत्काला। संतों के तीर्थ रूपी प्रयाग में यदि हम मज्जन करते हैं, हम स्नान करते हैं, इसका फल तुरंत प्रकट होता है, तुरंत ये फल देता है। काक होए पिक बकऊ मराला, कौआ तो बन जाता है हंस, बगुला तो बनता है हंस और काग बन जाता है कोकिल। सुनी आसर्ज करे नहीं कोई, इसको सुनकर के मन में किसी को आसर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति से कितनी महिमा है। वाल्मीकि नारद घटि योनि, ऋषि वाल्मीकि के बारे में तो सब लोग जानते हैं, संतों के संग से कितना बड़ा परिवर्तन आया। हमारे यहां दो सद ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे श्रीमद् रामायण जी। रामायण के रचयिता हुए श्रीमद् वाल्मीकि मुनि और रामायण के रचयिता हुए महर्षि वेदव्यास, ध्यान से सुनना। और आश्चर्य की बात यह है कि रामायण और भागवत दोनों की रचना की प्रेरणा नारद जी ने ही दी। ऋषि वाल्मीकि ने तपस्या करी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सब लोग जानते हैं। तो वाल्मीकि मुनि ने नारद जी महाराज से कहा, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा महापुरुष संसार में है जिसके जीवन की रचना में करूं और समाज को दिशा मिल सके। बोले राम जी की राम कथा लिखो, और वही राम जी वाल्मीकि मुनि जो आपकी कुटिया पे होकर कुछ दिन पहले गए थे, आपने उनको चित्रकूट में रहने के लिए कहा। 14 वर्ष के बन के लिए राम जाते समय तुम्हारी कुटिया पर आए, उन्हीं राम की महिमा लिखो। तो वाल्मीकि मुनि ने नारद के कहने से राम कथा लिखी। दुनिया का सबसे ग्रंथ प्राचीन वाल्मीकि रामायण, और उन्हीं नारद जी के आग्रह से, नारद जी की प्रेरणा से भगवान वेदव्यास ने भागवत जी की रचना करी। नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा दी। और वही वाल्मीकि मुनि जिन्होंने पहले वाल्मीकि रामायण लिखी, कले कुटिल जीवन स्तार हित पुनि वाल्मीकि तुलसी भयो। कल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए वाल्मीकि मुनि ही कल युग में गोस्वामी तुलसीदास जी बनकर आए, वही तुलसी के रूप में प्रकट होकर के आए। तो वाल्मीकि मुनि ने अपनी महिमा, अपने जीवन का वृत्तांत अपने मुख से कहा है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि मुनि संत के प्रताप से इतने बड़े ऋषि बने और नारद जी महाराज संतों के संग से इतने बड़े देवर्षि बने, और घटजोनी माने कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि संतों के संग से इतने बड़े ऋषि बने। निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना,
मत की रत कति भूली भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। जिस किसी योनि में, जिस किसी कर्म से, जिस किसी शरीर में व्यक्ति गया, सत्संग के प्रभाव को वही समझ सकता है जिसने संतों का संग किया है। बोलो ना प्रेम से जय श्री राम। संतों के संग की बड़ी महिमा है। बिनो सत्संग विवेक न होइ, राम कृपा बिनो सुलभ न सोइ। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, इसलिए सत्संगों का संग करें। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। अमंगल को दूर करता है सत्संग, मंगल का मूल है सत्संग, साधनों का उद्गम है सत्संग। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं, आमलेट खाते थे, माछेर झोल मछली खाते थे, लेकिन सत्संग ने जीवन को इतना बदला, वो प्योर वेजिटेरियन हो गए। अभी प्याज लहसुन भी नहीं खाते। इतना परिवर्तन आता है सत्संग से। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सठ माने मूर्ख व्यक्ति भी सत्संगति से सुधर जाता है। ये कुधातु है, लोहे को कुधातु कहा जाता है। हमने पारसमणि को लाकर के लोहे से लगा दिया, लोहा सोना बन गया। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति, सठ व्यक्ति भी संतों का सान्निध्य प्राप्त कर ले, उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। पारसमणि लोहे को सोना तो बनाती है, पर लोहे को पारस नहीं बना सकती। संतों का संग तो ऐसा है कि साथ वाले व्यक्ति को सुधारता ही नहीं है, साथ वाले व्यक्ति को संत ही बना देता है, हृदय से संत बनाता है। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृद साधगो ये, कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वस्तुरद साधव। इसलिए संतों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है, शराबी कबाबियों की सेवा ही नरक का द्वार है। अरे महाराज, हम संत कैसे बने? हमारी तो फैक्ट्री चल रही है, हम संत कैसे बने? अपने तो ट्रकों का व्यवसाय है, हम संत कैसे बने? हम तो जूट मिल का काम देखते हैं, हम संत कैसे बने? कपड़े का व्यवसाय है हमारा। अरे भैया, संत बनने के लिए लाल कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, महात्मा बनने के लिए पीले कपड़े जरूरी नहीं होते। महंतस्ते समचित्ता प्रशांता, महात्मा कौन है, संत कौन है? जिसका चित्त सम है, जिसने क्रोध को जीता है, जिसका सौहार्द भाव है, जो कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखता, वही संत है। बंदहु संत समाज,
चिता तैत नहीं कोई, अंजलि गत सुबक सुमन जीवे सम सुगंध कर दोई। मैं उन संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि संत सरल चित जगत हित जान सुभाय सने। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, जिसका चित्त सरल है, क्रोध जिसने जीता है, देश किसी से कोई करता नहीं, ऐसा व्यक्ति पेंट भी पहनता है तो वो संत है, धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है, वो गोरा भी है तो संत है, काला भी है तो संत है, हैं? वो देसी है तो भी संत है, विदेशी है तो भी संत है, दुबला है तो भी संत है, मोटा है तो भी संत है, काला है तो भी संत है और गोरा है तो भी संत है। संत के लक्षण जिसमें दिखाई दें, वस्त्र कैसा पहना इसका कोई मतलब नहीं होता। ये संत की संतता है। भगवान कहते हैं उधो मोए संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद पुकारे, वेद भी जिनकी महिमा का बखान करें, ऐसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। साधवो हृदयम महियम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संतों के चरणों में कबीर दास जी ने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की हैं, फिर हम कथा प्रसंग को आगे ले चलते हैं। संतों के चरणों में सब मिलकर के प्रणाम करें, अच्छी बनेगी संतों के संग से। सब लोग बड़े भाव से गाएंगे, हम संतों की नगरी हरिद्वार में भी तो हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हंसी बना में मिट जाए और तेरा गुरु तेरी अच्छी बने दी मिट जाए और तेरा गुरु तेरी अच्छी बने गुनो सुन तन के संग लागे रे तेरी अच्छी बने दी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी 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 ओ तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी कोई आदमी माला पर अपनी पत्नी का नाम जपता है मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरा महल मेरा खजाना मेरी दुकान मेरे मकान मेरी तिजोरी मेरा पैसा मेरी पत्नी कोई अपनी पत्नी का नाम माला पर जपता है बिना माला के पत्नी की 24 घंटे याद आती है माला पर पत्नी का नाम कभी नहीं जपते फिर भी पत्नी बच्चे हमें 24 घंटे याद आते हैं और भगवान का नाम माला पर जपते तो भी नींद आती है याद नहीं आती बोलो जैसे क्यों भैया पत्नी बच्चों को अपना मानते हैं भगवान को अपना मानते नहीं है भगवान को अपना माने तो बिना माला के भी उनकी याद आए सत बित नारे तीन आशाएं सत बित नारे सुत बित नारे तीन आशाएं 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 त्याग सके तो इन्हें त्याग रे
आशा में बहुत दिन सोए सज्जन और असज्जन मैं दोनों के प्रणाम करता हूं। बंदा हूं संत, असज्जन शरणा। असज्जन कौन है और संत कौन है? बोले बिछुरत एक प्राण हर ले। संत वो है जो हमसे दूर जाता है तो प्राण निकलने लगते हैं, तड़फन होती है। और असज्जन कौन है? बोले एक मिलत दारुण दुख दे। वो मिलता है तो दुख ही दुख हमें देता है। अब देखो, पानी में कमल भी पैदा होता है और पानी में जोंक भी पैदा होती है। जोंक समझते हैं? जोंक यदि लग जाए हाँ तो छूटती नहीं है और आपके खून को सोस लेती है। उसी पानी में कमल पैदा होता है। समुद्र में, क्षीर सागर में अमृत भी पैदा होता है और विष भी तो उसी में से निकलता है। अमृत पिएंगे तो अमर बन जाएंगे और विष को पिएंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए, हमें यह चेष्टा करनी चाहिए कि हमें संतों का संग मिले। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहाय पय परिहर वारी विकार। ये संसार गुण और दोष से युक्त है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होते हैं? जो गुणों को ग्रहण करें, अब गुणों को छोड़ दें। अब गुणों का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आकर चारी लाख चौरासी
जात जीव जल तल नभ बासी सिया राम माय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो स्वामी कहते हैं 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने वाले जितने जीव हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जितने लोग हैं, मैं उन सबको सीताराम का रूप मानता हूं। सी राम में सब जग जाने, इसलिए उन सबको मैं बार बार वंदन करता हूं, बार बार मैं सबको प्रणाम करता हूं। और भगवान राम की रघुनाथ की गाथा का गान करता हूं, रामायण की रचना करना चाहता हूं। एही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में राघव का पावन उदार चरित्र है, जो श्रुति का वेदों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान का नाम कैसा है, जो मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है, उस नाम की महिमा रामायण में है। कैसा नाम, उमा सहित जही जपत पुरारी। माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर जिसका नित्य जाप करते हैं, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गत पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। पावन कथा जिसमें वर्णित है मंगल को करने वाली, अमंगल को हरने वाली, इस राम कथा के आदि रचयिता भगवान शिव हैं। और शिव पार्वती तो मेरे गुरु पिति और मात तीनों हैं, गुरु भी हैं, पिता भी हैं और मात हैं। और भगवान राम के साथ में तो इनके बड़े बड़े संबंध हैं। इन सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहां राम का प्राकट्य हुआ। बंदहु अबध पुरी अति पावन सरजू सर कल कलुषण सावन। मैं अयोध्या पुरी को प्रणाम करता हूं। अयोध्या का मतलब क्या है, देखो चार चीजें बड़ी सिद्ध हैं, नाम रूप लीला और धाम। भगवान का नाम सत्य गुणात्मक है, भगवान का रूप गुणात्मक है, भगवान की लीला सत्य गुणात्मक है और भगवान का धाम ये भी सत्य गुणात्मक है। तो धाम भी भगवान से कम नहीं है। मैं अयोध्या धाम को प्रणाम करता हूं। जहां कभी युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या कहते हैं, और जहां कभी किसी का वध नहीं किया जाता उसे अवध कहते हैं। अयोध्या नगरी को वंदन, जहां पे वास करने वाले सब लोगों को वंदन। कहते हैं अयोध्या की जो गलियां हैं ना, वो भगवान श्री राम की नाड़ियां हैं।
अयोध्या राम का रूप है तो उसकी गलियां नाड़ियां हैं, और सरजू जो है वो भक्ति युक्त वैराग्य यहां पर साक्षात बह रहा है, यही सरजू है। मैं माता कौशल्या को नमन करता हूं। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं माता कौशल्या। कीरत जासु, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, क्योंकि प्रगटे उजहा रघुपति शशि चारु। माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, जहां चार चंद्रमा प्रकट हुए, रामचंद्र, भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, चारों चंद्र हैं। मैं महात्मा दशरथ जी को प्रणाम करता हूं। अब दशरथ जी को प्रणाम इसलिए नहीं कर रहे कि वो राजा है, दशरथ जी को प्रणाम इसलिए किया जा रहा है कि राम के प्रति उनका गूढ़ स्नेह है, राम के चरणों में उनकी गूढ़ प्रीति है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। बंदाऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पर, सुमिरत बिसुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहरेऊ। दशरथ जी को प्रणाम इसलिए नहीं किया कि वो राजा हैं, इसलिए प्रणाम किया कि बिसुरत दीन दयाल, भगवान राम के बिछुड़ते ही अपने प्राणों को जिन्होंने त्याग दिया। राम के बन जाने के बाद दशरथ ने कहा, सोषित बिछुरत गयउन प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। मेरे समान कौन पापी होगा जो राम के जाते जिसके प्राण निकल नहीं गए, ऐसा उनका अद्भुत प्रेम है, ऐसा उनका अद्भुत प्रेम है। मैं जनक महाराज को पूरे परिवार के सहित, अब कई लोग ऐसे कहते हैं, जनक महाराज के परिवार के संग गोस्वामी जी ने न्याय नहीं किया, उर्मिला जी के बारे में कुछ नहीं कहा, जनक महाराज की पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा, कौन कह सकता है। जनक महाराज का वंश तो, और जनक वंश की मर्यादा इतनी ऊंची है, गौरी शंकर के शिखर पर विद्यमान है वो मर्यादा, जिनको केवल प्रणाम किया जाता है, प्रतिपेदन नहीं किया जा सकता। जनक महाराज के वंश का एक एक व्यक्तित्व इतना विचित्र है, क्या महाराज जनक हो, क्या उनकी पत्नी हो, क्या उनकी चारों बेटियां हो, आहा, जिनके सैकड़ों वेदांत की पाठशालाएं चलती हैं, सुनी होगी आपने कथा, भगवान राम जब रावण को मार करके आए, अयोध्या में राम जी बैठे थे, राम ने मां कौशल्या से कहा, मां 14 वर्ष का वनवास मिला, मैं अपने भाइयों से और भाइयों की पत्नियों से इतना दूर रहा, आज मुझे राज्य गद्दी मिल गई, मेरा मन हो रहा है मैं कुछ दे दूं, अपने भाइयों को कुछ प्रदान करूं, पर क्या प्रदान करूं, मैंने कुछ दिया इनके काम नहीं आया, इसलिए आज जिसके मन में जो मांगने की इच्छा है मांगे। मां कौशल्या ने कहा, बेटा बैठो, मैं सबको बुलाती हूं, बेटा भरत, लखन, शत्रुघ्न, मांडवी, उर्मिला, सुधकीर्ति, आओ बेटा। अब राम अवध के राजा हो गए तो राम की इच्छा हो रही है कि तुम्हें कुछ दे दें, आज जिसको जो मांगना है बेटा मांगो, आज राम देंगे। भगवान राघव बैठे, आंखों में आंसू आ गए, भरत लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे त्याग को मैं प्रणाम करता हूं,
आज कुछ देने का मन है मांगो, भरत सबसे बड़े। और जब भरत जी से मांगने के लिए कहा, महात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी तो एक ही मांगे राघव, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आने। जन्म जन्मांतर आपके चरणों की रति प्राप्त हो, आपके चरणों की प्रीति और कुछ नहीं चाहिए। भरत की पत्नी है मांडवी, राम ने कहा तुम कुछ कहो बेटा क्या चाहिए। मांडवी ने कहा आपके वनवास जाने के बाद आपकी कृपा से जो धैर्य और साहस हम लोगों के मन में बना रहा, ये धैर्य कभी जीवन में विचलित न हो, डगमगाए नहीं, ये आशीर्वाद देना। लक्ष्मण से कहा तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा मेरे प्रभु अपने चरणों से हमको दूर कभी मत करना, और कुछ नहीं चाहिए, इन चरणों की सेवा में लगाए रखना राघव। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से पूछा बेटी तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला ने कहा मैं तो अयोध्या की रानी बन गई, अयोध्या की कुलवधू बन के आ गई मैं सूर्य वंश की, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। शत्रुघ्न बोले अपने परम संत भैया भरत की मैं सेवा करता रहूं और मन की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन क्रांति तो तब आई जब शत्रुघ्न की पत्नी श्रुत कीर्ति की बारी आई। राम ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए। श्रुत कीर्ति ने हाथ जोड़कर कहा मेरे प्रभु मैंने देखा किसी ने भी आपसे पदार्थ नहीं मांगा, किसी ने भक्ति किसी ने सेवा की शक्ति, लेकिन मैं आपसे पदार्थ मांग रही हूं, माफ करना। राम ने कहा बोलो बेटा। श्रुत कीर्ति बोली आप 14 वर्ष के वन से लौट करके आए, आपने वलकल वस्त्र उतार के रख दिए, फिर आपने स्नान किया, आपने मुकुट पहना, अयोध्या के राजा बन गए। मुझे देना है तो सिर्फ एक बार दे दो कि जिन वलकल वस्त्रों को पहनकर आपने 14 वर्ष तक अयोध्या से बाहर वन में निवास किया, उन वलकल वस्त्रों को आप मुझे दे दीजिए भगवान, मैं उन वलकल वस्त्रों को अपने पूजा घर में रखूंगी और उनकी पूजा करूंगी। राम ने कहा बेटी वलकल वस्त्रों की पूजा तू क्या करेगी उन वन के वस्त्रों से। श्रुत कीर्ति ने कहा मैं उनको पूजा घर में रखकर उन वलकल वस्त्रों की पूजा करूंगी राघव, क्योंकि मैंने सुना है चौथे पन जाई नपकानन। जीवन के चतुर्थ अवस्था में वन में जाना चाहिए, यह मैंने सुना है, लेकिन आपके रघुवंश में तो भर जवानी में वनवास होता है, भर जवानी में मेरे राम का वनवास हुआ और आपने वन में उन वलकल वस्त्रों को पहनकर जिस साहस जिस धर्म परायणता जिस धीरता जिस वीरता जिस सूरता का परिचय दिया, हम लोग राज्य सत्ता में राज्य सत्ता के मत में कई धर्म परायणता को भूल न जाए राघव, इन वलकल वस्त्रों को मैं पूजा में रखकर इनसे त्याग और तपस्या की शिक्षा लूंगी, इनसे त्याग तपस्या का मैं अनुकरण करने की शिक्षा सीखूंगी, इन वलकल वस्त्रों को मुझे दे दीजिए। राम ने दौड़कर उस
सबसे छोटी बहू सुत कीर्ति के सिर पे हाथ रखा और मन ही मन कहा, धन्य है जनक वंश। बेटियों की शिक्षा देखें आप, जनक महाराज की पुत्रियों के संस्कार को देखें, ऐसा जनक वंश है। कौन इसका वर्णन करेगा? महाराज, इन सबको प्रणाम किया और चार भाइयों में राम सबसे बड़े हैं, राम की वंदना पहले नहीं की, श्री भरत जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। बंद हूं प्रथम भरत के चरना, बंद हूं प्रथम भरत के चरना, बंद हूं प्रथम भरत के चरना, करता हूं जिसके नेम और व्रत का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जिसके नेम और व्रत की महिमा को कोई नहीं वर्णन कर सकता। राम के चरण कमल जो है ना, राम के चरण है कमल और श्री भरत लाल जी का मन है मधुप यानी भौरा। जैसे भौरा कमल पर बैठ जाए तो फिर उठता नहीं है, और कमल बंद होने पर भ्रमर भी उसमें बंद हो जाता है, ऐसे ही भरत जी महाराज के ये मन की स्थिति है। मैं उन भरत को प्रणाम करता हूं। बंद हूं लक्ष्मण पद चल जाता, बंद हूं लक्ष्मण पद चल जाता, शीतल सुभग सहज सुखदाता, शीतल सुभग लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूं। लक्ष्मण के चरण कैसे हैं? बोले शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण के चरण बड़े शीतल हैं, बड़े सुभग हैं, भक्तों को सुख देते हैं। क्यों? हम लोग यदि दो चार दिन चप्पल नहीं पहने, दो चार दिन पदत्राण नहीं पहने और नंगे पैरों से बालू मिट्टी में सड़क पर चलें तो बिवाइयां फट जाएंगी और पैर गंदे भी हो जाएंगे, सुंदर भी नहीं लगेंगे। जो 14 वर्षों तक चरण पादुकाओं का त्याग करके राम के पीछे पीछे वन में गया कंकरीली जमीन पर, उनके चरणों को गोस्वामी जी शीतल सुभग
सुखदाता कह रहे हैं क्यों? बोले भैया जो राम के पीछे चलता है उसी के चरण शीतल सुभग सहज होते हैं, जो हराम के पीछे चलता है उसके चरण शीतल सुभग सहज नहीं होते। हमेशा लक्ष्मण ने राम के चरणों का अनुगमन किया, तभी तो विजय प्राप्त की मेघनाथ पर। देखो राम जी रावण को मारकर जब आए थे, अयोध्या में बैठे थे, एक दिन मौका मिल गया और मौका मिलते ही राम जी ने लक्ष्मण से कहा मेरे पास आओ। कमरे में लक्ष्मण के पास राम जी एकांत में बैठे और बोले लक्ष्मण तुम्हें मेघनाथ का बाण लगा क्यों? तुलसी दर्शन की चर्चा यदि हम करें तो मेघनाथ का मतलब होता है काम, मेघनाथ काम का प्रतीक है और लक्ष्मण जी वैराग्य की मूर्ति हैं। फिर लक्ष्मण जी को काम का बाण क्यों लगा? सीधी बात समझें, तुम्हें मेघनाथ का बाण लगा कैसे? और यदि लग भी गया तो तुम्हारा सिर मेरी गोद में था, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे था और मैं तुम्हें बार बार उठा रहा था, तुम मूर्छित पड़े थे। पहले तो तुम्हें काम का बाण लगना ही नहीं चाहिए था और यदि लग गया तो तुम मूर्छित कैसे हो गए? तुम मूर्छित क्यों हुए? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान जिस पर आपकी कृपा हो उस पर काम का बाण लगे यह संभव नहीं है, लेकिन आखिर भूतों में जीव, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और जीव होने के नाते मैं संसार के लोगों को उपदेश देना चाहता था कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा भी असंयमित यदि तुम हो गए तो काम का बाण तुम्हें मारेगा नहीं तो मूर्छित तो जरूर कर देगा। काम की शक्ति भी कम नहीं है, राम की कृपा है वो तुम्हें मारेगा भले ही नहीं लेकिन मूर्छित तो कर ही देगा। और काम के बाण से मूर्छित होने वाले को तो फिर संयम रूपी हनुमंत ही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। बोलो प्रेम से जय श्री राम। फिर तो उसको हनुमंत उठाएगा, संयम उठाएगा, सदाचार उठाएगा और किसी की सामर्थ्य तो उसको उठाने की नहीं है। तो राम के पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी के चरण ही सुभग और शीतल हैं। रमन्ते योगिनोऽस्मिन् निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उसको राम कहते हैं। और लक्ष्मण जी का यश तो दंड के समान है। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ यश जाका। भगवान रघुपति की कीर्ति के जो बिमल पताका है, अरे पताका तो बड़ी ऊंची होती है, हम लोग ध्वजा का पूजन करते हैं, श्याम बाबा की ध्वजा लेके जाते हैं, हनुमान जी की ध्वजा होती है उसका हम पूजन करते हैं, तो ध्वजा का पूजन होता है क्या? ध्वजा तो 50 फीट ऊंची है, पूजन तो दंड का ही करते हैं, नीचे उसके दंड को पूजते हैं। ऐसे ही राम की विमल कीर्ति की पताका ऊंची है और उस पताका में जो दंड है वो लक्ष्मण जी महाराज हैं, पूजा तो इनकी होती है। ऐसे लक्ष्मण को मैं प्रणाम करता हूं जो अनुकूल बनकर मुझ पर कृपा करें और अपनी भांति राम के चरणों का लक्ष्य मेरे मन को बताएं। जिसके मन का लक्ष्य केवल राम के चरण है वही तो लक्ष्मण है भाई जी।
रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी, मैं शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना करता हूं जो सूर हैं, सुशील हैं और भरत के अनुगामी हैं। जो भरत का अनुगमन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जो शत्रु का हनन करे वो शत्रुघ्न? कभी कभी लगता है राम का नाम शत्रुघ्न होता तो अच्छा होता। राम जी ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ताड़का को मारा, मारी स्वाहु का उद्धार किया, तो राम जी का नाम शत्रुघ्न हो ये बात तो थोड़ी गले उतरती है। उनका नाम शत्रुघ्न होना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों? शत्रुघ्न ने तो कभी युद्ध किया ही नहीं। यदि तुलसी दर्शन की हम चर्चा करते हैं, तुलसीदास जी महाराज की रामायण की चर्चा करते हैं, तो तुलसी रामायण का मौन पात्र है शत्रुघ्न, ये बोलते ही नहीं कभी। आपने पूरी रामायण में शत्रुघ्न को कहीं बोलते नहीं सुना होगा। जो मौन रहता है, जो शांत रहता है, उसका नाम शत्रुघ्न क्यों? उसका नाम शत्रुघ्न होने का मतलब क्या? तो कहते हैं जो अंदर के शत्रु को मारे वो शत्रुघ्न है। राम जी ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ये बाहर का शत्रु है। ताड़का को मारा, ये बाहर का शत्रु है। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, काम, ये भी बाहर का शत्रु है। काम और क्रोध तो हमें बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर का जो शत्रु है वो है लोभ। और जो अयोध्या के अंदर रहती है मंथरा रूपी लोभ, इसके कुंभ को सीधा, इसको दंड देने वाला तो शत्रुघ्न ही है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभेन वर्धते लोभ। ज्यों ज्यों तुम्हारा लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। जैसे लाभ बढ़ता है वैसे लोभ बढ़ता है, और जो लोभ को मारे वही शत्रुघ्न है। आपने सुनी होगी कथा, एक भिखारी चौराहे के किनारे बैठता था। एक दिन नारद जी उधर से घूमते गए, भिखारी से बोले, क्यों यहां क्यों बैठते हो? बाबा क्या करें, चार पैसे का धंधा यही होता है। यहां मेरे दादाजी भी बैठते थे, फिर मेरे पिताजी भी बैठते थे, अब मैं भी 40 वर्षों से इधर ही बैठता हूं, धंधा चलता है। अपने बड़े बेटे को भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो भी फिर मेरे बाद यहीं बैठेगा। नारद जी को बड़ी दया आ गई, बेचारा बड़ा गरीब है। नारद जी ने एक चिट्ठी लिखी कुबेर के लिए। चिट्ठी में लिखा, कुबेर जी, इस पत्रवाहक व्यक्ति भिखारी को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इसकी गरीबी को दूर करना है, इसको बहुत बड़ा धनी आदमी बनाना है। इसके कमंडल में इतने हीरे डालो जब तक कमंडल ऊपर तक लबालब भर न जाए। आज्ञा से नारद। बेचारा भिखारी चिट्ठी लेके अलकापुरी गया। अलकापुरी कुबेर की नगरी है, और जैसे वो अलकापुरी में जाने लगा, दरवानों ने रोका तो चिट्ठी दिखा दी। ओ, चिट्ठी देखते सब सलूट मारे, नारद की चिट्ठी, देवर्षि है नारद। कुबेर महाराज के दरबार में पेश किया गया।
कुबेर ने कहा क्या है, चिट्ठी दिखा दी। बेचारे कुबेर ने चिट्ठी पढ़ी, बोले बिठाओ, और कुबेर ने उनको बिठा दिया, आसन लगाया, भोजन कराया, बड़ा सम्मान किया। नारद जी ने भेजा, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। भंडार खोल दिया और कहा भैया तराजू में हीरे भर के लाओ, इसके कमंडल में डालो। नारद जी की आज्ञा, जब तक पूरा कमंडल भर नहीं जाए हटना नहीं। बेचारे डालते जाए, 3 दिन और 3 रात्रि हो गए कमंडल में हीरे डालते जा रहे हैं, पर कमंडल भरने का नाम नहीं ले रहा है। नारद जी ने आकर के देखा चौराहे पर, बोले आजकल तो यहां बैठता नहीं है। आंख बंद करके देखा तो कुबेर की अलकापुरी में बैठा है। नारद जी भी कुतूहल बस वहां आ गए, और नारद जी कुबेर के पास पहुंचे तो देखा वो भिखारी बैठा है, कमंडल में हीरे डाले जा रहे हैं और कमंडल भर ही नहीं रहा। कुबेर ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज भेजा करो तो देख तो लिया करो, किसको भेज रहे हैं, किसको भेज दिया आपने। नारद जी ने जाकर कहा, रुको, भिखारी से पूछा क्या बात है, कमंडल भरता क्यों नहीं। बोले मालूम नहीं बाबा, अभी भर ही नहीं रहा है। नारद जी ने कहा हम इसके कमंडल का निरीक्षण करेंगे। और संत नारद ने कमंडल हाथ में लेकर जैसे ही पलटा तो कहते हैं कमंडल के नीचे मनुष्य की खोपड़ी थी, नीचे उसके तल में, और खोपड़ी के बीच में लोभ बैठा था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। नारद ने मानव की खोपड़ी को देखा, उसके बीच में बैठे लोभ को देखा, और मन में सोचा 1000 ट्रैक्टर भर के भी इसमें हीरे डालोगे तो भी ये कमंडल कभी भरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें लोभ बैठा है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अयोध्या के अंदर के लोभ रूपी शत्रु को जो मारे वही शत्रुघ्न होता है। और देखो राज परिवार से हनुमान जी को जोड़ दिया कि महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान हन जासुर दयागार बसहि राम सर चाप धर। मंगल मूरति मारुत नंदन, मंगल मूरति मारुति मंगल मूल निकंदन, मंगल मूल निकंदन, मंगल
वैष्णवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार मैं श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। खल बन, खल माने दुष्टों का जो बन है उसको जलाने के लिए पावक ज्ञान धन अग्नि के समान है। क्यों? कि जहां सुहृदय आगार, उनके हृदय रूपी आगार मंदिर में, हृदयागार में भगवान धनुष बाण लेकर के विराजमान रहते हैं। आयुध होगा तभी तो पापियों के भंडार को मिटाएंगे, तभी तो पापियों के बन का संहार करेंगे। ऐसे हनुमान जी के चरणों में मेरी अनंत प्रणति, मेरा अनंत प्रणाम, ऐसे प्रणाम किया। प्रणाम की इस पद्धति को कल बढ़ाएंगे आगे। शायद बोर्ड में कार्ड में कथा का समय 3 से 7 है, पर कथा का समय यहां 2 बजे से रखा गया है। 2 बजे से कथा सुनो ताकि 6 का 6:30 भी बच जाए तो फिर लाइव में दिक्कत नहीं हो। सत्संग के माध्यम से कथा का सीधा प्रसारण भी है, सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं, तो पुनः आपको संशोधित समय बताएं। कथा का 2 बजे से है ना, 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय है। गर्मी का टाइम है इसलिए आप लोग दोपहर का भोजन प्रसाद पाएं 11 बजे, 11:30 तक भोजन 12 तक पा लें, फिर आधा पौना घंटे विश्राम कर लें और आप तो 1:30 बजे ही आ जाओ यहाँ, ठीक है? 1:30 बजे आकर बैठो तो सीधे 2 बजे कथा शुरू हो जाए, तो 6 बजे तक हमारी आरती भी रामायण जी की संपन्न हो सके। और मुझे बहुत सुख भी मिल रहा है, कलकत्ता महानगर से बहुत भक्त पधारे हैं, बयानी जी का पूरा परिवार, माहेश्वरी परिवारों में, अग्रवाल परिवारों में, मारवाड़ी फैमिलियों में ही हम लोगों की ज्यादा कथा होती है। फिर कलकत्ता के श्रोता, अब मैं आपसे क्या बताऊं, एक तो मध्य प्रदेश में जहां मैंने कल राम कथा पूरी करी थी, एक गुजरात में और बंगाल में, केवल कलकत्ता में, ये 3 जगह के जैसे श्रोता दुनिया में कहीं नहीं है। बोलो जय श्री राम। कलकत्ता में तो बहुत कथाएं की मैंने, मोहन बगान ग्राउंड में कथा की 94 में, नेताजी इंडोर स्टेडियम में 3 बार कथा की, काकुड़गाछी बड़ा पार्क में कथा हुई, अभी मैंने कलकत्ते में दमदम क्रीडांगण क्षेत्र, दमदम क्रीडांगण क्या लिखा है, खेल मैदान की बोल से तुम्हें हमें पूछते पारे ना, हाँ चापाकल, खैर दमदम क्रीडांगण में कथा थी अभी फरवरी में। सितंबर में भी हमने कथा 27 बालीगंज पार्क में की। तो कलकत्ता में कथा में आनंद बहुत आता है। वक्ता को आनंद कब आवे, जब श्रोता शांति से सुने। अब साल भर में 36 तो भागवत कथा करते हैं हम और 2 राम कथा करते हैं, और इस बार पुरुषोत्तम मास की वजह से दोनों राम कथाएं एक संग हो गई। अब यहां 2 तारीख तक आप भागवत सुनो, राम कथा सुनो, ठीक है, और 3 को सब मेरे संग बद्रीनाथ चलो। 4 तारीख से वहां भागवत कथा है, वो भी पूरे संसार में संस्कार चैनल पर लाइव टेलीकास्ट है उसका, उस कथा का भी आनंद लेना। और आनंद की बात यह है कि वो कथा भी कलकत्ता के ही मारवाड़ी परिवार करा रहे, तो सुख मिलेगा ना। फिर वहां की कथा करके हम अयोध्या में राम भागवत कथा कर रहे हैं, वहां भी सुन लेना, फिर धीरे धीरे कलकत्ता पहुंच जाना। बोलो जय श्री राम।
घर के कार्य तो सब होते ही रहते हैं, और ये बड़ा अद्भुत स्थान है। भागवत जी के स्थान में पवित्रतम हरिद्वार है, गंगा द्वार तप समीपेतु तटमानंद नामकम, ये आनंद नाम का वन है ये हरिद्वार, यहाँ भागवत हुई, राम कथा भी होती है। तो खूब हम लोग आगे 9 दिनों तक राम कथा का आनंद लेंगे। हमारे बिहानी परिवार के सभी सदस्य बड़े भगवत प्रेमी, बड़े उदार चेता, बड़े उदार मन वाले, और मैं देख रहा हूँ रात को 1 बजे पहुँचा मैं, कल कथा पूरी हुई थी मध्य प्रदेश में, तो देखो 1 बजे तक सब जगे रहे, अगवानी करी मुझे, मेरे कक्ष तक पहुँचाया, और मैं देख रहा हूँ छोटे से लेकर बड़े सब लोग सबकी सेवा में लगे। इतनी दूर आकर, भाई कलकत्ता में तो ये कर सकते हैं, इनका गांव है, इनका घर है, राजस्थान में करना है तो कर देंगे, और हरिद्वार में आके, बताओ 2000 किलोमीटर की दूरी पे आके, और इतने प्रेमियों को साथ लाके, और इतनी उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था करना, ये तो कोई बहुत बड़े कर्मयोगी के ही बस की है और किसी की नहीं। पूरा परिवार लगाए सेवा में। मेरे पंडित जी बता रहे थे आचार्य लोग कि गुरुजी कहना ही नहीं पड़ता, जरा सा इशारा करो ये काम होना, 2 मिनट में हाजिर। तो देखो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद स्वतः निकलता है हृदय से, वरदान मांगा जाता है, आशीर्वाद अपने आप निकलता है। तो खूब यहाँ गंगा का दर्शन करें, 6 बजे कथा होने से गंगा की आरती में भी आप सुविधा से जाएं तो जा सकते हैं, भोजन आदि समय पे हो सकता है, थोड़ा हरिद्वार में भ्रमण कर सकते हैं, शाम को किसी भी गंगा घाट पर बैठकर मां गंगा का 15 मिनट दर्शन करो। गंगे गंगे तिजो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। वर्णन आता है पुराणों में गंगा गंगा गंगा, इस नाम को 1200 किलोमीटर की दूरी से यदि कोई गाता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। हम तो बड़भागी हैं, और बिहानी परिवार की वजह से मुझे भी 9 दिन हरिद्वार में रहने का अवसर मिलेगा, माँ गंगा के दर्शन आचमन स्नान का अवसर मिलेगा, कितने आनंद की बात है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। रामायण जी की आरती हम लोग गाएंगे, और मैं समझता हूँ बिहानी परिवार तो यहाँ से आरती करेंगे, और 1-2 आरती नीचे दे देंगे तो आप वहीं खड़े खड़े आरती कर लेना, ताकि सबको स्टेज पर आकर, क्योंकि स्टेज तो लकड़ी का ही बना होगा ना, ज़्यादा चढ़ जाएंगे तो स्टेज लकड़ी का है, नीचे बैठ भी सकता है, पर आरती का सुख सबको मिले ये हम प्रयास करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, हनुमंत लाल की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राम। श्री राधे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग रामचरितमानस की पावन आरती में सम्मिलित हो। हमारे मुख्य यजमान बिहानी परिवार से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग अपने परिवार के सहित मंच में आए और रामायण जी की आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोतावायुश्च प्राणश्च मुखा अग्नि अजायत। और इति
श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के तीरथ तल तिललित सिय के तीरथ तल तिललित सिय के कावत ब्रह्मादि की मुनि नारद विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखी सनकादि शिष्य और सारद सुखी सनकादि शिष्य और सारद वरन पवन सुख की रतनी के सचंद यत्र पूर्वे साध्या संधि देवा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे कौसल्यानंदनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम अञ्जनी नन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्प वेल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी
तम पूजयामी जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद भवानी च पुष्पाजलिमया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंद्र पुष्पाजलि समर्पयामी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की, बोल रामचरितमानस की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम।